जवानी गई है तो नाल ही खेचड़न लग गई है, बस इन्नी होंगी होर कि 100 साल जवानी रहनी। तेरे यार नहीं घर बैठे रहते, काम करी दा साथ। हाँ जी राशद भाई की हो गया? बटर खराब हो गया यार, छुट्टी कर गया, ट्रैक्टर चक्या गया उदा ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरी से होंगे। अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज हमने फिर जाना है अदरीस लोगों की हवेली में बिजली की वायरिंग की झरियाँ लगाने के लिए। भाई सफदर के साथ हमारा जो टाइम तय हुआ था वो हुआ था 8 बजे का, लेकिन 8:30 हो चुके हैं। अभी भी मैंने फ़ोन किया तो वो कहता है कि मैं राजे के पास बैठा हूँ शेव करवाने के लिए। मैंने कहा ठीक है आप जल्दी आ जाएँ, वो आते हैं ना तो फिर निकलते हैं। पहले ट्रैक्टर की हुक आई है एक टूटी हुई, उसको वेल्ड करते हैं फिर उधर जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे ना ऐसे स्ट्रगल लाइफ जो है हमारी उसके मतलब हमारे ब्लॉग ना आपके पास आते रहें मज़े मज़े के। ये पड़ी है ट्रैक्टर की हुक, बिल्कुल ज़्यादा हो गई है, इसको भी यहाँ पर जोड़ना है वेल्डिंग के साथ। ये हमने इसकी झरियाँ वगैरह लगाई हैं साइडों पर ताकि वेल्डिंग सही तरीके से हो सके। सफदर करवा ली शेव, टैट हो गया है ना? ते समान ले ला समान सारा समान। सफदर ओए उरे आ, उरे न छड़ दे उरे आ यार। बोर्ड लाना है कि झरी लगी हुई है उत्तों जी आँगी उच्चे ना मारी ना, उत्तों जी झरी आँगी पी ना उत्तों ये नहीं मारनी है ना, इदा मारनी है सिर्फ आह मारनी सीधी तो इतों एक बोर्ड उसे दे देना। तू किता फिर बस वो गलती ना लग गई उरे आ, होर दसा तेन एक बोर्ड इतने अंदर आ सामने उत्ते जाने उत्ते जाने जानी सिर्फ यदि बहर कनैक्शन आया। हाँ आर पार आज उत्ते जानी है तो एक बोर्ड इधर आ इस साइड से आला ये जाना ये भी हाँ सीलिंग च तार आनी है भी तो वो जोड़ा वा है की इतने बोर्ड लगना ना बोर्ड परले पास तो नहीं लाना ना इतने लगना यदा इतों पैप जाना इतने ये बहरले पास बोर्ड लगना वा। हाँ ये बाहर बोर्ड पैप करना या बोर्ड इतो पैप सिर्फ पैप करना बाहर इतो बोर्ड बाद जो दी बन जाएंगे जगह तो और रखी हुई है ना यार वो नहीं करना ना ना कर इतो ना पाना तो हाँ ते दूसरा जो फिर बन जाएंगे शेल्फा इन्हों दियाँ बाकी जो निज़ाम बाद सैट करना सारा फिर एक बोर्ड लगना होर फिर बाद शेल्फा बनने तो बाद लगेगा पैप। माशाल्लाह अज 12वां दिन ना तो आ जी कंधा प्लस्तर हो पिछड़ शरीफा से साजी सुनाओ अल्हम्दुलिल्लाह जी और ठीक हो? हाँ जी एक नाम लिखिया सी थे अपना सी लिखी नहीं लिखिया हाँ एक इथे लगे सी मुन्ना अच्छा घोड़ी बनानी इदा दी देख ना चौकी सही आ चादर लगी हुई ना तो हल्की है वैसे भी एंगल भी हल्का आपको 2 साल तक कटेगी नहीं नहीं जबरदस्त चलेगी यार ठीक है हाँ बनवानी है तेन कहना पक्की पक्की लभी आ काम करने वास्ते लभी है खुश तो तू इदा होंगे मैं पता कोई तेरी पक्की पक्की लभ गई है बड़ी मैं तो लोड़ ही नहीं पई मैं दूजे फटे लाए हुए नहीं कम ठीक है था सफदर ने तो थोड़ा बहुत काम किया है लेकिन अभी तक मैंने काम शुरू नहीं किया। हमारा वैसे चाय का टाइम हो गया अभी इतने करने लगे सही चल चल गई बिजली अच्छा दरीस लग गया काम ते मजदूर साहब होने दो जड़े फिरते पे इदा ही काचू उस्ताद भी तो खैरू भी टैडी बकरी नहीं माड़ा माड़ा हला
ठीक है सीधी कर सीधा कर ट्रैक्टर सीधा कर राजा आन दे आन दे आन दे सीधा करिया सीधा करिया सही है सही है आन दे हाँ आन दे आन दे आन दे बस लग गई तो नाल लग गई एक सह रोक हों सह रोक हों ड्राइवर ने कि पी हुई हाँ हाँ जवानी सी ना तेरे ते उदो जवानी गई है तो नाल ही खेह चढ़न लग गई है बस इन्नी होंगी होर कि 100 साल जवानी रहनी तेरे जवानी 100 साल रहनी तेरे ते आ गया है चल चलिए कर तेन घर छड़ के आवा चला जा चलिए बस मैं भी चला वहाँ चलिए आ चलिए मैं भी चला आ जा मोहम्मद भी हमारे पीछे रहे दरदरीस की हवेली में आ गया अभी हम चलते हैं घर जाके खाना वगैरह खा के आते हैं और जोहर की नमाज अदा करके ना फिर वापस आएंगे चलिए मोहम्मद इन किधर लिया लगता बंदा ना सारे जो खे उड़न रही थी तेल ला के चंगी तरह और आप तेन खेल कमरे च लैके जाव आ जा एक बार नगाव तेन उस चल आ चलिए उत्ते चल आ चलिए उत्ते चाह पीए है पानी पाई यार पा दे मैं पा के माड़ा जाना मैनू तेरे यार नहीं घर बैठे रहते काम करी दस साथ हम मकान वाली कर काम इन्ना लगता बंदा नवाज शरीफ जो लंदन चो आया उन्होंने बजता है खेत इन्ना जिन्ना तू खेत बजदा तू उन्होंने खेत लगे ही ना तो मेरे ते नहीं मैं मसला साह का यार दस्ती चढ़ जाती है साह आंदा भाई साह का मसला साह आंदा ही थले ना रुक दी शानी शानी तेरे कोल घर नहीं रहा हुंदा पौड़िया एक बार जड़ के जा फिर ओ कपड़े ने कोई जगह ऐसी नहीं बजे मतलब मुंह साफ कर रहे हैं ओ गाडरी कोनी हाँ जी राशद भाई की हो गया बटर खराब हो गया यार छुट्टी कर गया मिट्टी वाट की चलो चलो अल्लाह खैर करेगा लग दिया शर्त फिर ऐसे गल पे हैं पंजाह रुपए जलेबियां कड़ी आदि वा करा फोन फिर पहले हमारा ग्राइंडर खराब हुआ रहा और अभी लाइट चली गई है थोड़ा सा काम हमारा रह गया बाकी तकरीबन होगा 15-20 मिनट का बाकी सारा क्लियर हो गया मेरा जो है ना ग्राइंडर के साथ झरियाँ लगाने वाला जिसमें हम ये मट्टी मट्टी हो जाते हैं ये काम सिर्फ 15-20 मिनट का है सफदर लगा हुआ है वो सामने सफदर के साथ हमारी शर्त लगी है हमारी मस्जिद में हुआ है ऐलान कि जिसने हज पे जाना हो तो वो मिज़ान बैंक में अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकता है सफदर कहता है कि जो लोग फ्री जाना चाहें ना उनके लिए होगा मैंने कहा फ्री वाला हिसाब नहीं है जिसमें ना पैसे लगेंगे पैसे अपने खुद लगाने हैं वो कहता नहीं फ्री वाला है तो अभी हमारे गांव का एक लड़का है बैंक में उसको फ़ोन कर रहे थे पर उसने फ़ोन नहीं उठाया वो उठाता है ना तो सफदर से हम फिर ये शर्त जीतेंगे और 100 रुपये की जलेबियाँ खाएँगे कितने कट नहीं आ निकल जाओ चल आन दे पीछे बस बस इधर ये पेन कितने आ पेन दूजी पेन है नहीं पैर
नहीं रख दे चल। हाँ ट्रैक्टर चक्या गया उदा ही ट्रैक्टर चक्या गया कर दो टाइम बराबर दबा लवा और दबा लीवर चंगा काम पिया खलवा जा सबर कर चल मैंने गल सी खोला गेट बाहर स्टॉपर चलता ही नहीं पता नहीं तू दबाया है सी हाँ हाँ पूरा दबाया ये तो चल काम ही काम ही नहीं करता पता चलिए भाई ले आए थे खराब करता होना तू तू खराब करता होना भाई मैं चेक करता होने अज हमने चलाऊंगा पता लग जाना हाँ ट्रक ही आ थोड़ी देर खड़ा रहेगा ना स्टार्ट फिर गर्म हो जाएगा फिर सही चलेगा हमारा जो ग्राइंडर के साथ झरियाँ लगाने वाला काम था ना बहुत हो गया ख़त्म अभी और नहीं यार बस मुक गया हूँ छड़ी नहीं मार रहा एकदम छोटी सी झरी है वो अभी चलते हैं घर जाकर अभी सारा नहाना पड़ेगा तो अभी जो पीछे काम है ना वो है तो भाई सफदर का लेकिन हम उसके साथ ना एक दिन लगवा देंगे ताकि काम जो सारा ना ख़त्म हो जाए हमारा आज का ब्लॉग इतना ही था उम्मीद है आपको पसंद आया होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़।